दोस्तों, भारतीय रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स उस महान हस्ती के नाम के साथ जुड़ा है जिन्होंने न केवल इस देश का संविधान लिखा बल्कि शोषित और पीड़ित और दबे कुचले करोड़ों लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र दिया, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए और उन्हें विशेष अधिकार दिए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड का ये 10वां साल है और इससे बड़े फख्र की बात क्या हो सकती है कि इस साल ये कार्यक्रम मुंबई के राजभवन जैसे महान और पवित्र स्थान पर हो रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी स्वयं अवार्ड विजेताओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इस कार्यक्रम के आयोजक और बुद्धांजलि के डायरेक्टर कैलाश मासूम जी, कृष्णा पिंपली जी से अनुरोध करेंगे कि बुद्धांजलि की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को सम्मानित करें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रक्रिया अवार्ड्स की, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 7 तारीख है, 7 नवंबर, और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज ही का दिन क्यों एक तरह से डिसाइड हुआ है या मुकर्रर किया गया है कि आज ही के दिन ये अवार्ड सेरेमनी होनी चाहिए। तो एक छोटी सी बैक स्टोरी है, कहानी, जिसे मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। परम पावन बोधिसत्व, विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न, भारत रत्न, ज्ञान के महासागर, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 7 नवंबर 1900 को प्रताप सिंह हाई स्कूल रजवाड़ा चौक सतारा महाराष्ट्र में प्रथम श्रेणी में प्रवेश लिया था। डॉक्टर बाबा साहेब जी की शैक्षिक जीवन की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। स्कूल प्रशासन अभी भी उस रजिस्टर को रिकॉर्ड के रूप में रखता है जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिखा गया था। इस रजिस्टर में उनका नाम भीवा रामजी अम्बेडकर लिखा गया था, जिसे स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर नंबर 1914 पर अंकित किया गया था। स्कूल में उन्हें भीवा के नाम से जाना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस देश की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। बाबा साहेब अंबेडकर खुद स्कूल गए और खुद अपने आप को शिक्षित किया और फिर उन्होंने करोड़ों दलितों और वंचितों को अपने जीवन काल में ऊपर उठाया। 7 नवंबर का दिन महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूलों में निबंध, भाषण और बाबा साहेब के जीवन पर आधारित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति से कहा है कि उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। उन्हें स्कूल में विभिन्न कक्षाओं से हमेशा बाहर रखा गया और आज उसी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत देश का संविधान लिखा है। संविधान का निर्माण उन्होंने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अवार्ड्स के वितरण की ये प्रक्रिया। सबसे पहले हमारा जो पहला अवार्ड जाता है, द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020, सबसे पहले जाता है इस्कॉन मंदिर को, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के समय करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, उनकी मदद की। इस्कॉन की तरफ से
अवार्ड रिसीव करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री निनाद गांधी जी और कुणाल जावेद जी। ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों की मदद की गई है इस मंदिर द्वारा। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा निनाद गांधी जी और कुणाल जाधव जी का फ्रॉम द इस्कॉन मंदिर। तालियां थोड़ी और हो जाएंगी तो कमाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द इस्कॉन मंदिर। अगला जो हमारा ये अवार्ड जाता है दैट गोज टू सेंट पीटर्स चर्च। इसी तरह मुंबई के सेंट पीटर्स चर्च ने भी गरीबों को खाना खिलाया है और उनकी हर संभव तरह से मदद की है। सेंट पीटर्स चर्च की तरफ से अवार्ड रिसीव करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं द रेवरेंड फादर फिलिक्स डिसूजा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। रेवरेंड फादर फिलिक्स डिसूजा फ्रॉम सेंट पीटर्स चर्च। देयर वी गो। अब हमारे बीच देश के एक महान अभिनेता मौजूद हैं। बॉलीवुड में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। आगे भी उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। उन्होंने अब तक 100 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जो जलवा है एक तरह से दिखाया है। वो न केवल एक सुपरस्टार हैं बल्कि एक सुपर इंसान भी हैं। जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और घरों की चार दीवारी में हम सब लोग बंद थे तो इन्होंने मुंबई के जो डिब्बे वाले हैं उनको खाना मुहैया कराया है, उनकी एक एक ज़रूरत को पूरा किया है। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ सुनील शेट्टी। तालियां थोड़ी और होनी चाहिए। थैंक यू। एक सेकेंड सुनील जी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो अवे। डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप वहीं पर रहिए। अच्छा अच्छा जी जी। तो डेफिनेटली टू वर्ड्स, दो शब्द आपकी तरफ से, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर समथिंग। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और यही पिताजी हमेशा कहा करते कि जब भी कुछ करो तो डोंट डू एनीथिंग टू बी नोटिस्ड बट ऑलवेज डू समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। सो आई थिंक दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जो मुझे सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने दिया। 30 साल पहले मेरी यह जर्नी शुरू हुई और उन बच्चों ने मुझे सिखाया कि देने में कितना मज़ा है। एंड इसलिए हमेशा हर एक से यही कहता हूँ कि फ्रॉम वॉट वी गेट वी मेक अ लिविंग बट फ्रॉम वॉट वी गिव वी मेक अ लाइफ। तो अपना वक्त हो या किसी भी तरह से अगर हम किसी और की मदद कर सके तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, आवर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दैट वाज सुनील शेट्टी फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। और मुझे लगता है कि आज मेरी थोड़ी बहुत कसरत भी अच्छी होने वाली है। इट इज गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शख्स जिन्हें मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर करोड़ों लोग एक तरह से झूम उठते हैं, एक ऐसा सितारा जिसे करोड़ों युवा एक तरह से अपना आइडल मानते हैं। और ख़ुद मैंने उनके साथ एक बहुत कमाल का शो कॉल्ड इंडियन आइडल किया था, बहुत मज़ा आया था व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर। महागायक अगम कुमार निगम जी और स्वर्गीय श्रीमती शोभा अगम जी के सुपुत्र श्री सोनू निगम जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो खास तौर पर यह अवार्ड लेने के लिए दुबई से स्पेशली यहाँ मुंबई पधारे हैं। तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। सोनू जी ने तकरीबन 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक के तौर पर, और ऐसे कोई भी स्ट्रीम नहीं है हमारी इंडस्ट्री में जो उन्होंने नहीं किया है, वेदर इट्स मिमिकिंग और एक्टिंग और परफॉर्मिंग, डांसिंग, सिंगिंग एज एन एक्टर, वट एवर। 2005 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं सोनू निगम जी, और कई हज़ार गाने इन्होंने गाए हैं। फिल्म बॉर्डर का गीत संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं आज भी देशभक्ति की प्रेरणा
देता है। सोनू जी को अब तक सैकड़ों अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम जैसे अनेक भाषाओं में गीत गाए हैं। श्री सोनू निगम को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर जोरदार तालियों के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगा। सोनू जी, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू रन अवे लाइक दैट। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, लुक आपका एकदम बहुत अलग सा हो गया है। फ्रॉम द क्यूट लुक यू जस्ट काइंड ऑफ ग्रेजुएटेड इनटू द क्रेजी लुक, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द अवार्ड एंड हाउ यू फील बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच अमन भाई। आपने लुक के बारे में बात की, मैं हमेशा बोलता हूँ बाल कल हो या ना हो, इसलिए जितना मर्जी खेलना खेल लो, इसलिए मैं ये सोचता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया। बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है मेरी एंड आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। आपने नेचुरली, मैं आपने जिस गाने का जिक्र किया है वही गाना मैं आपके सामने गाता हूँ। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। धन्यवाद, थैंक यू। जी चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और अभिनेत्री जिन्होंने एक तरह से चार पीढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। इनकी माँ भी एक सुपरस्टार थी, नानी भी एक सुपरस्टार थी, खुद भी एक सुपरस्टार हैं और आज उनकी बेटी ज़ारा खान, उनकी चौथी जनरेशन भी यश चोपड़ा के बैनर में बॉलीवुड में एक तरह से कदम रख चुकी हैं। बिल्कुल, एक अच्छी अभिनेत्री और गायिका के अलावा आप एक समाज सेविका भी हैं जो स्टैंड यूनाइटेड हम एक हैं नामक संस्था चलाती हैं, जिसके माध्यम से गरीब, कमज़ोर तबके और ख़ासतौर से महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रहती हैं। आपने कोविड-19 के महामारी के समय लोगों की बहुत मदद की। अचानक दुबई में आते वक्त कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से वो यहाँ पर आज नहीं आ पाई हैं, लेकिन आज उनकी बेटी ज़ारा खान, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, और उनके साथ उनके सुपुत्र अली खान यहाँ पे इस अवार्ड को लेने आए हैं। ये अवार्ड है स्पेशली सलमा आगा जी के लिए। मैं गुजारिश करूंगा अली खान एंड ज़ारा खान टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक दिस अवार्ड ऑन देयर मदर्स बिहाफ। ज़ारा, आई थिंक a little two words from your side also. Ji, thank you all so much. Main yahi kehna chahungi mummy nahi aa payi, uski main bahut maazrat chahti hu, magar wo hoti to shayad wo kuch aur bahut acha bolti, but thank you all very much. Thank you to Buddh Foundation for doing this. Bahut bahut shukriya. Waise aap bhi bahut acha bolti hain, bahut bahut dhanyawad. Ji ओके, वक्त की नज़ाकत है, सो वी गोइंग टू डू दिस अ लिटिल फास्टर। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री और हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच रिचा चड्ढा आज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता एक तरह से प्राप्त की हैं। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा बॉलीवुड में काम कर रही हैं। फुकरे, ओ लकी, लकी ओए, गैंग्स ऑफ वसेपुर, गोलियों की रासलीला, ड्रामा मसान जैसे अनेक फिल्मों में अभिनय किया है। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिएगा रिचा चड्ढा का। थोड़ी सी तालियां और हो जाएं रिचा चड्ढा जी के लिए। रिचा, आई थिंक
there's a special demand for you to say a few lines and words, please. लॉकडाउन में हम सबका यही कर्तव्य था कि सबसे पहले एक नागरिक की तरह सोचे, एक इंसान की तरह सोचे. तो मैंने पूरी कोशिश की जितना कर पाई, सबको खाना बांटने की वगैरह वगैरह. एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. निदा फास्टी जी की गज़ल है. थैंक यू सर, थैंक यू बुद्धा फाउंडेशन. Thank you, Richa, for taking time out and coming all the way. And congratulations on the award. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारा अवार्ड है वो जाता है, हमारे बीच हैं तनिष्क बागची जी, जो बहुत ही प्रतिभाशाली गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं और अभिनेता भी हैं. इन्होंने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है. स्टैंड यूनाइटेड संस्था के साथ इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य एक तरह से किया है. तो जोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे तनिष्क बागची जी. जी, तालियां बहुत ज़रूरी हैं. जी चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एन ए हेगड़े, जिन्होंने साई बाबा हॉस्पिटल के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से लोगों की बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा. कोविड 19 के समय इनका योगदान सराहनीय रहा है. डॉक्टर एन ए हेगड़े जी से आग्रह है कि वो मंच पे आएं और इस अवार्ड को एक्सेप्ट करें. भाई तालियाँ बहुत ज़रूरी हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर ऑल पीपल हु बीन फाइटर्स, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी, उनकी जानें एक तरह से बची. चलिए इसके बाद अगला नाम जिसे मैं यहां मंच पर बुलाना चाहूंगा, श्री मेहुल डी मेहता, जो कि एक व्यवसायी हैं हमारे बीच. डॉक्टर मेहुल जी डी मेहता मौजूद हैं व्यवसाय के क्षेत्र में. इनकी तीसरी पीढ़ी है. इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में जो सम्मान और सफलता प्राप्त की है वो एक तरह से सराहनीय है. ही इज ऑल्सो द एमडी ऑफ एमडीएम रियलिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं ये. और अब इनकी कंपनी वृद्ध होम, अस्पताल जैसी कई अच्छी सुविधाओं पर एक तरह से काम कर रही है. जोरदार तालियों के साथ श्री मेहुल डी मेहता. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान वानू जी, हमारे बीच हैं, जो हिंद फाउंडेशन स्वच्छ भारत कॉर्पोरेट कमिटी के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं. दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ड्रग्स इंडिया क्राइम प्रिवेंशन इंडिया के चेयरमैन भी हैं. गंदगी छोड़ो भारत अभियान के तहत इन्होंने स्वच्छता की दिशा में सराहनीय काम किया है. जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान वानू. अगला नाम है डॉक्टर भारती लवेकर जी का, विधायिका हैं वर्सोवा से, हमारे बीच ये उपस्थित हैं, जो वर्सोवा विधानसभा की विधायिका हैं. भारती लवेकर जी ने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी ये कार्य करती रहती हैं. और हम डॉक्टर भारती जी को मंच पर बुला के उनका आदर और सम्मान करना चाहेंगे. जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर भारती लवेकर जी. ओके, लेट्स मूव ऑन. अगला जो नाम है आईयूबी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, एक ऐसी संस्था है जिसने कोविड 19 में लोगों की काफ़ी मदद की है. उन्होंने बड़े पैमाने पर हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क एक तरह से फ्री लोगों को दिए हैं, वितरित किए हैं. हमारे बीच संस्था के अध्यक्ष श्री परवेज लकड़ावाला और उपाध्यक्ष श्रीमती हफीज़ा लकड़ावाला उपस्थित हैं. मैं उन दोनों से गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ दोनों मंच पर आएँ. A big round of applause for the two from IUV Foundation of India, Parvez and Hafiza Lakdawala. Congratulations to you. Agla jo naam hai Shri Jayaprakash Goyal ji ka,
हमारे बीच जयप्रकाश गोयल जी मौजूद हैं, जो न केवल व्यवसायी हैं बल्कि समाज सेवी भी हैं। हम इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि हम इनका सम्मान कर सकें। जोरदार तालियों के साथ श्री जयप्रकाश गोयल जी। इसके बाद अगला नाम है श्रीमती शीतल सम्राट जी का, मौजूद हैं, जिन्होंने कोविड 19 की महामारी के समय लोगों की हर तरह से मदद की। आखिरी जो नाम है दैट इज संजय मुरलीधर पवार जी का, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोविड 19 में बहुत सारा काम किया है, बहुत मास्क, एक तरह से खाना, सैनिटाइजर्स, ये सारी की सारी चीजें मुफ्त लोगों में इन्होंने बांटी हैं। संजय मुरलीधर पवार जी। जी, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 15 मेंबर्स जिनको ये अवार्ड मिला है। अब उन लोगों के नाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कमिटी से के ये सदस्य हैं, और इन सदस्यों को हम सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले आयोजक कैलाश मासूम जी, जो इस कार्यक्रम को पिछले 10 सालों से निरंतर दिल्ली और मुंबई में करते आ रहे हैं और समाज की प्रतिभाओं को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। नाम इनका मासूम है लेकिन इतने मासूम है नहीं। जोरदार तालियां कैलाश मासूम जी के लिए। इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ जी का, जो पूर्व लोकसभा सांसद हैं और इस कार्यक्रम के साथ संरक्षक के रूप में हमेशा जुड़े रहे हैं। जोरदार तालियां सुनील बलिराम गायकवाड़ जी का। अगला जो हमारा नाम है वो है CISB के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एन पिंपली जी, जो हमेशा इस आयोजन को सपोर्ट करते आए हैं। भैया कृष्णा एन पिंपली जी। अब अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं, वेल ही इज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स विद दिस प्रोग्राम। जोरदार तालियों के साथ हिमांशु झुनझुनवाला। सारा का सारा जो PR एक्टिविटी है इनके हाथों से किया जाता है, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो इनकी नजरों से छिप सके। हर किसी को ये कहीं ना कहीं से पकड़ के अपने कैमरे में डाल देते हैं। हिमांशु झुनझुनवाला जी। इसके बाद अगला जो हमारा नाम है वो है मच्छिंद्र पाटिल जी का, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोविड 19 कोरोना के दौरान बहुत से लोगों की इन्होंने सेवा की है, बहुत सारी चीजें मुफ्त लोगों को इन्होंने दी हैं। सो मच्छिंद्र पाटिल जी। तो ये थे हमारे 15 विनर्स और हमारे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कमेटी के कुछ सदस्य जो आखिर के 5 थे, उन्हें एक तरह से हमने सम्मानित किया। अब हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें और एक तरह से हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड के आज के इस कार्यक्रम में हमारे, मेरे से भी ज़्यादा मासूम हो तुम, श्री कैलाश मासूम जी, श्री कृष्णा पिंपले जी, अब आप सबके नाम लो, बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट लोगों, तो भी इन्होंने 2-3 नाम लिखे वो बोल दूँगा, सुनील शेट्टी जी, सोनू निगम जी और अमन वर्मा जी को मैं रोक रहा था कम बोलो, इनको लग रहा होगा कि भाई हमको मौका भी दे और पूरा मौका भी नहीं दे रहे हैं,
अब इसी पर भी कोई गाना बना लेगा, कोई फिल्म बना लेगा, हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए है, मजबूरी का नाम क्या बोलते हैं लोग, कैसे ही आप राज्यपाल बोल देना है? आप सब लोगों को जितने भी यहाँ पर आज अवार्डी लोग हैं, सचमुच आप सब लोगों का काम बहुत ही वंदनीय है। मैं पहले तो ये जो हमारे इस कमेटी के सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष हैं, कैलाश जी वगैरह सभी लोग, इन सबको बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि अच्छे काम करना एक चीज़ है और अच्छे काम की प्रशंसा होना एक अलग चीज़ है। मैं बहुत समाज का काम करता रहता था, काफ़ी लंबा समय हो गया, 50 साल से भी ऊपर हो गए, तो लोग मुझको कहते थे तुम MLA बनाते हो, MP बनाते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तुम कुछ हो नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं बनना है। तो सोनू जी कुछ लोग मुझको कहते थे, अरे भाई भगतदा, अरे भाई कोश्यारी जी, क्या हुआ वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मैंने लोगों का ये कह रहता है कि भाई अगर आखिर सोनू जी का अच्छा गाना हो और सामने पिक्चर में आए, फिल्म में आए, स्टेज पर आए, ऐसे ही कोई अच्छा नाटक करता है, कोई अच्छी चीज़ दिखता है, कोई अच्छी सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जब कोई रिकॉग्निशन मिलती है, और ये सचमुच एक मनुष्य की एक इच्छा रहती है कि उसका काम कर रहा है। हम कितने ही बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो, पर इतना कहने के बाद भी कभी भी लगता है नहीं, ये तो कुछ होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे जो कर्मशील आप जैसे लोग हैं, ऐसे जो आप जैसे प्रतिभा के धनी लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, यदि कोई पैसा का वाला व्यक्ति है वो भी अगर कोई पुण्य का काम करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने 3-4 दिन पहले अजीम प्रेम जी का किसी इंग्लिश पेपर में पढ़ा, उन्होंने कहा भाई हम सब अपने बच्चों के लिए क्यों सोचते रहते हैं? आप जानते हैं वो काफ़ी फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बड़ा काम करते हैं, हैं, और उनका बहुत रिगार्ड है, और बोले कि कितना छोड़ जाओगे बच्चों के लिए। और मुझे आज मैं देख रहा था टाटा का भी लगभग ऐसा ही बयान था, क्योंकि अब आप देखें इन्होंने इतनी संपत्ति कर ली है, इतना सब कुछ कर लिया है, और उसके बाद आज वो आदमी कहता है तो ये भारत भूमि में कुछ ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को प्रेरणा देता है। ये पहली बार सोनू मेरे पास आए, मेरे भतीजे ने कहा कि नहीं सोनू है वो काम कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको सम्मान कर दीजिए ना, तो मैंने उनको बुलाया और उनकी प्रशंसा कर दी, तो अखबार में छपा, तो फिर मेरे छपने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बुला लिया, फिर पता नहीं किस किस ने बुलाया, पर बुलाया नहीं बुलाया वो इज़ अ सेकेंडरी थिंग। हम जब काम करते हैं, पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब जमाना गया। मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो मेरे कुछ सीनियर कहते हैं अरे भगत सिंह वो जमाना गया, नेकी कर दरिया में डाल, बोले नेकी कर उसका ढोल पीट। तो जमाना थोड़ा बदल गया है, और इसलिए कैलाश जी बहुत स्वाभाविक है कि आदमी की इच्छा रहती है कि भाई आखिर मेरे काम की रिकॉग्निशन मुझे मिलनी चाहिए, और उस रिकॉग्निशन में हमारे जो ये सोशल जितने भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, आप सबके इस प्रकार के लोग हैं, ये जब इस प्रकार का, ये कोई आपका पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ हफ्ते में वर्मा जी ऐसे 2-4 कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि किसी का ऑनर करने का मतलब है इफ़ यू आर ऑनरिंग अदर्स इट मीन्स दैट यू आर ऑनरिंग योर सेल्फ, एक प्रकार से स्वयं का सम्मान होता है। और इसलिए जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं और टीचर हैं, नर्स है, कोई और हैं, या जिस ढंग से आप में से बहुत से लोगों ने सोनू टाइप, बहुत से लोगों ने इस प्रकार के आपके सबके गोयल जी कितने कितना भी ले रहे थे कि इस कोविड काल में काम किया और अवसरों पर भी आपने काम किया, अभी तो कोविड है, आप तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम हर साल ही करते होंगे, या हैं, हाँ, तो ये तो हर साल इस प्रकार का अच्छे प्रतिभावान लोगों का स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैलाश जी आपको मैं बहुत आपके संगठन को बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है
कि कहीं न कहीं जिन जिन का आप सम्मान कर रहे हैं, एक छोटी सी पुस्तक, पुस्तक अम्बेडकर जी के बारे में, मेरा तो पूरा साहित्य पूरे का पूरा है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, लेकिन इतना कोई नहीं पढ़ सकता है। और इसके लिए कुछ छोटे से इतने प्रेरणादायक उनके जीवन के संस्मरण हैं कि मैं ताज्जुब करता। अभी एक बड़े इनके लेखक हैं, राज्यसभा में भी हैं, डॉक्टर नरेन, बहुत लिखी, बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो उनकी अंग्रेजी में 3 पुस्तकें उन्होंने हमको भेंट की। तो एक मैंने देखा, देखिए उन्होंने कितना अस्पृश्यता का विरोध किया, हमारे समाज में जो गलत रीतियाँ हैं उसके लिए हमारे समाज के सवर्णों का भी उन्होंने कहा कि जिम्मेदार है, इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी मैंने उस दिन लिखा और बाद में मैंने उनको, जाधव जी को, नरेंद्र जाधव जी को कहा, मैंने कहा यू हैव अगेन इनलाइटेड मी, आई एम रीडिंग डॉक्टर अम्बेडकर फॉर सो मेनी ईयर्स, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूँ। चीज़ें ऐसी हैं कि जो वास्तव में हमारे इस देश के अंदर चूँकि एक प्रवृत्ति रही है शुरू से ही, लोग राजा भी घर छोड़ करके, राजकुमार भी घर छोड़ करके संन्यास लेता था तो वो गौतम बुद्ध बन जाता था। और आज गौतम बुद्ध यहाँ नहीं श्रीलंका में है, आज गौतम बुद्ध यहाँ नहीं जापान में है, चाइना में है, कोरिया में है, मंगोलिया में है। तो एक प्रकार से ये जो त्याग है, ये जो सेवा है, और ये सेवा भी ऐसी कि बिना किसी इच्छा के, इस ऐसा करके, ये नहीं कि हम कोई प्रोसिलाइटाइजेशन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, या फलां कर रहे हैं, या फलां कर रहे हैं, केवल एक कि ज्ञान प्राप्त के लिए कि मनुष्य को मैं कुछ प्राप्त किया हूँ तो दूसरे को भी दूँ, दूसरे को भी शांति मिले। तो एक प्रकार का ये हमारी इस देश की विशेषता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोग जो ऐसे पुण्य कार्य कर रहे हैं, मैं आप सबका, कैलाश जी और इनके संगठन की ओर से तो आपका अभिनंदन है ही है, मैं भी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी जो प्रतिभा है अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेसमैन होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, सीए होगा, कोई एक्टर होंगे, कोई गायक होंगे, हम सब लोग कुल मिल करके और अपने जीवन का थोड़ा समय और थोड़ी अपनी सी जो हमारा अर्जित है उसका हम यदि दूसरे के लिए लगाते हैं, दूसरा माने उसको अपना समझ करके लगाते हैं, तो आपका मन में शांति मिलती है और आपको आनंद आता है। और जो आपकी अगली पीढ़ी है, आप लोगों को बताने होगा, मेरे यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ में कि नातर की कमा, पितर की कमाई नातर को, यानी ग्रैंडफादर की जो कमाई है वो ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलती है। माने एक प्रकार से आप जो पुण्य करेंगे, हो सकता है मेरे एमपी न बने, आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी और सिनेमा वाले भी जो हैं वो भी चाहते हैं हम भी एमएलएमपी बने, रखा कुछ नहीं है एमएलएमपी, मैंने सब देख लिया है। लेकिन ये खासदार साहब भूतपूर्व यहाँ पर है, अभी आजकल अनुभव कर रहे होंगे, है ना, लेकिन इच्छा रहती है आदमी की ऐसे ही कमाना, अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करना, ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा और होना चाहिए, नहीं होगा तो दुनिया ही नहीं चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम हर क्षण हर पल सेवा के लिए जितना अधिक अपना समय दे सकेंगे उतना अच्छा होगा। और आप सब लोग निश्चित रूप से वंदनीय हैं, और मैं कमेटी के सब लोगों को भी जो है, किशन जी को, कैलाश जी को, सभी लोगों को, मेरे पास तो वो आई थी इनकी माता जी आगा, हाँ सलमा आगा ना, वही तो नाम है, सलमा आगा आई थी इनके साथ, तो मैंने कहा तुम अच्छे हो, एक सलमा हो एक मासूम हो, दो लोग आ गए हो, है तो आज वो यहाँ पर नहीं है परंतु उनकी पुत्री है, पहले भी आई थी। ये अच्छा रहता है ऐसे माध्यम से हम सब लोग समाज का कहीं ना कहीं इसके एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। आज आप ये मैंने देखा जिस दिन से निगम का, सोनू का बड़ा प्रचार ही हो गया, आज पहले बार मेरा आया था उस बार, उस तक तो इससे ज़्यादा प्रचार नहीं था, उसके बाद और जो देने वाले लोग हैं ना, उन देने वालों ने भी इनको शायद इतना दे दिया कि वो मेरे यहाँ के और जाने कहाँ कहाँ के लोगों ने हवाई जहाज़ से भेज दिया, मैं गवर्नर होकर के ट्रेन से नहीं भेज सकता हूँ, ये हवाई जहाज़ से लोगों को भेज रहा है, क्योंकि देने वाले लोग थे, कोई अपने अकेले जेब से तो नहीं दिया होगा ना, अपनी जेब से दिया सोनू। तो इसीलिए कि हम सब लोग समाज में सारे लोगों को लगता है कोई अच्छा काम करता है तो एवरीबडी कोऑपरेट्स, समाज में हम लोग जब दूसरे के लिए करते हैं तो जो काम नहीं कर पा रहा है, समय नहीं दे पा रहा है, वो भी पैसा देता है, वो भी सहयोग करता है, यार अच्छा काम करा है, इसको सहयोग करना चाहिए। और उसको राजनीति में तो ये
खासदार साहब ने कितना ही क्या होगा, गाली खाए होंगे, कभी हार गए होंगे, कभी जीत गए होंगे, बड़ा कठिनाई होती है, लेकिन समाज सेवा के अंदर यू ऑलवेज गेट रेस्पेक्ट, यू ऑलवेज गेट लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल, एक बड़ी चीज़ है। और मैं सोचता हूँ एमपी साहब, ये आपके मेरे इस यश से, ये जो समाज के काम का यश है, ये जो बिना किसी मोल भाव का यश है, उस यश का तो वर्णन ही करना मुश्किल है। इसलिए आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को दीर्घायु दे और आपके माध्यम से समाज की सेवा होता रहे। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरे तो बहुत ही आदरणीय हैं पूज्य गांधी जी की तरह से, और उनके प्रति भी मैं अपना पूरी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनका जीवन हम सबको और अधिक, उनके जीवन से मैंने बहुत सीखा है, और सचमुच उनके जीवन से हमारी भावी पीढ़ी सीखे और उनके कदमों को चलकर उनसे भी और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं कार्यक्रम के आयोजक कैलाश मासूम जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे कार्यक्रम का जो समापन है उसे यहाँ पे करें। कैलाश मासूम जी, करुणा और दया के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज के इस महान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को राजभवन में करने की अनुमति दी और मुख्य अतिथि बनने का हमें गौरव प्रदान किया। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे आदरणीय फिल्म अभिनेता माननीय सुनील सेट्टी जी का, श्री सोनू निगम जी का, ऋचा चड्ढा जी, कृष्णा पिंपले जी, और ख़ास तौर से बड़ी बहन सलमा आगा जी का, जो हमारे बीच नहीं आ पाई हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का कि इतना कीमती समय आप निकाल करके आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और यहाँ पर आप सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।